वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर सवेरा सैफ का वेलकम करेंगे जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। और डॉक्टर सवेरा से आज हम लेजर हेयर रिमूवल के हवाले से बात करेंगे और उसके साथ साथ सिंगर ज्वाइन करेंगे रूहिल, हमें दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर सवेरा। सबसे पहले तो आपकी जानिब आए, हम सुनते आ रहे हैं कि लेजर का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छा भी है, नुकसानात भी हैं, जरा आज ये कंसेप्ट हमारा क्लियर करें। लेजर बेसिकली होता क्या? लेज़र जो कि जैसे कि साइंस में सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इट स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एमिटेड रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बेसिक एक यही है कि हमें एक टारगेटेड हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट लेनी है और हमने अपने टारगेट को मीट करना है, बस इतना है। क्योंकि एक बहुत वाइड रेंज होती है लाइट में, तो जैसे कि नेचुरल लाइट है उसकी एक वाइड रेंज है, हमें सिर्फ वो वाला रेंज या वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जो कि हम किसी भी टारगेट सेल को हमने डिस्ट्रॉय करना होता है। सही, तो वैसे तो ये हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है और अभी भी हो रहा है और इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हो रही है। तो इसके यूज़ सिर्फ जैसे कि कॉमनली हमारे यहाँ मशहूर यही है कि लेज़र हेयर रिमूवल, लेकिन इसके बहुत सारे एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि लेज़र्स की हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है यही लेज़र हेयर रिमूवल, क्योंकि एक मसला भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और इससे लोग बहुत ज़्यादा सोशली इफेक्ट होते हैं। सही, इसलिए लोग आते हैं हमारे पास ये करवाने के लिए, स्पेशली जो है फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होती हैं इस चीज़ से, आदमी भी मेल्स भी इससे कंसर्न होते हैं लेकिन फीमेल्स का ज़्यादा बड़ा मसला है। बेसिकली जो हेयर जो ग्रोथ है स्पेशली जो कि फेस पे हो गया या ऐसे एरियाज जो आपको ऑब्वियस हैं जैसे कि आर्म्स एंड हैंड्स एंड फीट एंड लेग्स, तो उसके ऊपर जो होते हैं आपने ये देखना होता है कि पहले के कॉज क्या है हेयर ग्रोथ का, क्योंकि नेचुरली तो फीमेल पैटर्न कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी है। हाँ, इसमें दो कॉजेज मेनली हम इवेलुएट करते हैं, एक हार्मोनल इम्बैलेंस और दूसरा ड्रग्स इनटेक। अगर तो पेशेंट कोई ऐसी ड्रग नहीं ले रहा या दवाई नहीं ले रहा जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है, तो उसके अलावा फिर हम एंडोक्रिनोलॉजी में हम उनकी इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या कॉज हो सकता है जिसके अंदर फीमेल्स में इरेगुलर साइकिल्स हम उनसे पूछते हैं, सडन इंक्रीज इन वेट, एकदम से वेट गेन हो जाना, वजन का बढ़ जाना, और साथ में ये है कि आपकी इरेगुलर साइकिल्स हो जाना। सही, ये सब चीज़ों को हम देखते हैं और हम उनसे इसके ऊपर हिस्ट्री लेते हैं कि इस पर कोई मसला तो नहीं है। इसके साथ अगर हमें कुछ और मिल रहा हो तो हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जितनी भी हार्मोन्स हम बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उसमें फीमेल हार्मोन्स भी हैं मेल हार्मोन्स भी, इनका एक खास तवाज़ुन होता है बॉडी के अंदर, अगर वो तवाज़ुन ज़रा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो उसके अंदर फिर हेयर ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होती है। अच्छा डॉक्टर सवेरा, ये भी कॉन्सेप्ट है लोगों का कि इसका नुकसान है क्योंकि आप स्किन से डायरेक्टली जो लेज़र उसको एक्सपोज कर रहे हैं और कुछ फ़ायदा भी होता है कि फॉर द लॉन्ग रन, कितना टाइम ये चलती है और नुकसानात पे भी अगर हम बात करें? हाँ, नुकसानात बेसिकली यही हैं कि अगर सही तरीके से परफॉर्म ना की जाए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यूज़ कर ली जाए और वेवलेंथ प्रॉपर ना रखी जाए तो फिर ये होता है कि बर्न का चांस होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो बर्निंग होती है, उसमें एक्यूट बर्निंग भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म पिगमेंटेशन भी आ सकती है। तो इसलिए जो है इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसको आपको प्रॉपर नॉलेज हो इसके बारे में, और जो पर्सन कर रहा है आप किसी टेक्नीशियन से ना कराएं, प्रॉपर डॉक्टर से करवाएं ताकि उसको पता हो कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसको मैंने कैसे कंट्रोल करना है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई साइड इफेक्ट आ भी जाता है तो उसको ट्रीट कैसे करना। अच्छा, वैसे बेसिकली कोई साइड इफेक्ट है इसका? अगर साइड इफेक्ट्स मैं आपको ये बता रही हूँ कि बर्निंग हो सकती है, स्कारिंग हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकती है, ये तीन चीज़ें हैं जो कि इसके साथ हो सकती है, और अगर रिजल्ट ना आए वो भी एक इफेक्ट, मतलब एक इफेक्ट जो कि नहीं आया तो उस तरह से एक नेगेटिव चीज है, लेकिन ये है कि ये बेसिक चीजें हैं कि बर्निंग, स्कारिंग और पिगमेंटेशन, ये अवॉइड। अच्छा डॉक्टर सवेरा, आजकल नॉर्मली कॉमनली बहुत चीजें ऑब्जर्व की जा रही हैं, खवातीन भी बहुत ज्यादा फेस पर जो ज्यादातर होता है वो करवाती हैं लेजर, इससे क्या क्या किस किस चीज का आप स्कार्स रिमूव कर सकते हैं, बालों का जो रिमूवल है वो भी हो सकता है, क्या क्या इसके पास? हमारे पास कुछ डिफरेंट किस्म की लेजर्स हैं जैसे कि पल्स डाई लेजर, बहुत मशहूर लेजर जो कि अब यूज हो रही है। पल्स डाई लेज़र जो है वो हम यूज़ करते हैं जैसे पोर्ट वाइन स्टेन, बचपन से ही कोई एक निशान चेहरे के ऊपर होता है या बॉडी के किसी और पार्ट पे भी हो सकता है लेकिन चेहरे पे होता है अक्सर, एक ऐसा लाल से रंग का निशान होता है जो बचपन से हुआ होता है, लोग अक्सर उसको एसोसिएट करते हैं कि जी चांद ग्रहण की वजह से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके अलावा हेमेंजियोमास हैं, वो भी एक गुच्छे होते हैं, आसान जुबान में समझाऊं तो एक वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन है जो कि एक गुच्छा है वेसल्स का, यानी कि खून की रगों का जो कि इकट्ठा हुआ हुआ होता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए होता है। इसके अलावा जो है मेलाज़मा जो कि छाइयाँ हैं उसके लिए यूज़ होती है। इसके अलावा जो है हमारी लेंटीजीन्स जो फ्रेकल्स की तरह के एक वो होते हैं, निशानात होते हैं, उनके लिए यूज़ हो सकती है।
और उसके अलावा कुछ और जैसे एंटी एग लेजर है वो टैटू रिमूव करने के लिए भी यूज हो सकती है। और जो हमारे पास है जो रिमूवल है ऑफ फॉर हेयर उसमें डिफरेंट है, क्योंकि हेयर रिमूवल जो हमने टारगेट करना होता है ना बेसिकली वो हेयर बल्ब है, यानी कि जो आपके बाल की जो नीचे की जड़ है उसको टारगेट करना है, उसकी रेंज होती है 600 to 1100 नैनोमीटर्स। उसके अंदर जो जो उनसे भी लेजर्स फिट उस रेंज में फॉल करती हैं वो सारी लेजर आर केपेबल फॉर रिमूविंग हेयर। ओके, इसके अंदर के ये पल्स लेजर है, आर्गन है, रूबी है, अलेक्जेंड्राइड है, एनडी एग है, 1064 नैनोमीटर्स, ये सब वो लेजर्स हैं जो कि टारगेट करती हैं मेलानिन क्रोमोफोर को जो कि प्रेजेंट होते हैं बल्ब के अंदर। अच्छा डॉक्टर सवेरा, कितने परसेंट क्यों के चांसेस होते हैं, मतलब रिजल्ट इसका कितने परसेंट होता है? बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है, लेकिन जनरली जो देखा जाता है अगर किसी में कोई ड्रग इनटेक की हिस्ट्री नहीं है और कोई हार्मोनल इम्बैलेंस का एविडेंस नहीं है उसके अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स हैं, अबाउट 60 to 70% पेशेंट्स जो हैं वो क्योर हो जाते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो एक मैं अब चूंकि ऑडियंस वॉच करी होती है तो मैं उनको ये बता दूँ कि जो हेयर जो जिसके ऊपर ये एक्ट करती है ना वो ये है कि वो मोटा बाल हो, मोटा बाल हो यानी कि जो फाइन हेयर से रिलेटिवली मोटा बाल है उसके ऊपर ये इफेक्टिव है। अच्छा। फाइन हेयर है उसके ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं है ये लेजर, इसलिए अगर सिर्फ हल्के हल्के बाल हैं उसके ऊपर लेजर कराई जाएगी तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं, हम उन्हें पहले यही काउंसिल करते हैं कि ये बाल ये टारगेट जो है वो उस बाल को करेगी ये लेजर जिसके अंदर ज्यादा मेलानिन होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है, स्किन टाइप 1 और स्किन टाइप 4 तक जो है ना इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, यानी कि जो फेयर स्किन लोग हों और डार्क कलर का बाल हो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर इफेक्टिव लेजर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसलिए फेयर स्किन विद डार्क हेयर जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट भी होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं, वो उसका अच्छा रिजल्ट है, लेकिन जो स्किन टाइप्स 4 to 6 हैं जो थोड़े से डार्कर स्किन हैं उसके ऊपर थोड़ा सा मसला इसलिए है क्योंकि बाकी जो मेलानिन है स्किन में वो भी अब्सॉर्ब कर रहा होता है उसको। अच्छा। तो वो जो टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर पा रहे होते, तो इस वजह से उसमें हेयर रिमूवल के चांसेस जो होते हैं ना वो थोड़े से उसके रिजल्ट थोड़े से रिलेटिवली पुअर हैं एज कम्पेयर टू फेयर स्किन विद डार्क हेयर। ओके, अच्छा डॉक्टर सवेरा कितना टाइम पीरियड ये चलते हैं अगर आप हेयर रिमूवल एक बार लेजर कराते हैं? अगर तो आप सिटिंग पे डिपेंड करता है, 3 to 6 सेटिंग्स में रिजल्ट्स आ जाते होते हैं, किसी की एज स्मॉल एज 3 सेटिंग्स में भी आ जाते हैं, कुछ लोगों को 6 सेटिंग्स तक लेना पड़ता है, ठीक है, और ये लास्ट करते हैं एज लॉन्ग एज आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस दोबारा से अपीयर ना हो या दोबारा से ट्रिगर ना हो या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या जेनेटिक फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस ना करें, तो ये परमानेंट हो सकता है कि कभी दोबारा वापस। और इसकी कोई एहतियात भी होती है? इसकी एहतियात यही होती है कि उसके साथ फौरन कूलिंग करनी होती है स्किन की, जैसे ही आप लेजर ट्रीटमेंट दे रहे हैं साथ साथ कूलिंग, अब तो इतनी अच्छी मशीन्स आ गई हैं कि वो साथ साथ कूल करता जाता है स्किन को, जैसे ही लेजर लाइट दी साथ में कूल हो गई, कूल हो जाता है वो एकदम से, तो वो ठंडा रखता है स्किन को, बर्न नहीं करने देता, स्कारिंग नहीं आती, पिगमेंटेशन। और सेंसिटिव स्किन के हवाले से क्या होता है? सेंसिटिव स्किन के लिए ये है कि वैसे तो हम सब लोगों को ये कहते हैं जैसे ही आपने लेजर ट्रीटमेंट ली है साथ ही सनब्लॉक लगाइए और 15-20 मिनट के बाद सन एक्सपोजर कीजिए, या वो तो सन एक्सपोजर को लिमिट कर दें, बिल्कुल अवॉइड कर दें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर आप मजबूरी है बाहर निकलना है तो जरूर सनब्लॉक लगा के बाहर निकले, स्पेशली आफ्टर लेजर ट्रीटमेंट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर सवेरा तो हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने हमें जरा प्रॉपरली बता दिया कि जो हेयर रिमूवल है थ्रू लेजर वो क्या इसके इफेक्टिव होने के चांसेस हैं, कितने परसेंट क्योर हो जाता है। हमारे साथ सिंगल भी मौजूद है रोहिल। रोहिल, आपसे जानना चाहेंगे कि आप आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? आजकल अपने ओरिजिनल्स पे काम कर रहा हूँ, साथ और कवर्स हैं कुछ, बाकी और भी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे ज़हन में, जैसे लाइक एनालिसिस ऑफ सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल में बनाना चाह रहा हूँ उसका, लेकिन मेन फोकस मेरा इस वक्त कवर्स पे है। तो रोहिल आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? एक कवर किया था, कवर किया था अरिजीत सिंह का, एक गाना था बोलना। ठीक हो गया, जरूर हम आपसे वो ट्रैक सुनेंगे। छूटे आना छूटे मोसे रंग तेरा ढोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई बोलना, बोलना माही बोलना।
दी डोरना सारे छट जाए माही तू ना छोड़ना तो अभी बताए रोहिल के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कब तक हमें आपका कोई ओरिजिनल सुनने को मिलेगा? ओरिजिनल इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द ईयर, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। लवली लवली लवली। डॉक्टर सवेरा, आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को? लेज़र के लिए यही है कि हमेशा ये इंश्योर कर लें कि जहाँ से भी आप करा रहे हैं वो एक अच्छा ऑथेंटिक डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे लोग सब लोग जो हैं दे नो अबाउट द होल थिंग। और दूसरी बात ये कि इसके रिजल्ट से कभी भी डिसअपॉइंट ना होएं, क्योंकि ये बड़ा ही एक जैसे कहते हैं ना कि सब ऑब्जेक्टिव है, हर पेशेंट का अपना अपना रिजल्ट होता है। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस भी ना रखें लेकिन इतनी लो भी ना रखें, बस उम्मीद करते रहेंगे ये आपकी ट्रीटमेंट में। और अच्छा, ये बहुत वो कंडीशन में कराना चाहिए ना कि मतलब आप जैसे आप कह रही फाइन है और उनको बेसिकली आप कर सकते हैं ट्रीट, जरूरी नहीं कि आपने लेजर ही कराना है। लोग नॉर्मली जल्दी से लेजर की तरफ, बिल्कुल जल्दी से लेजर की तरफ आते हैं। ऐसी चीजें यूज ना करें सबसे पहले, तो वो चीजें प्लीज यूज ना करें, वाइटनिंग क्रीम्स यूज ना करें जिससे ये बाल आते हैं। वो अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, मेरा बड़ा दिल करता है वो नाम लेने को, जो क्रीमें लगा के हमारे पास लोग आते हैं गोरा होने के लिए और मिक्सचर ऑफ क्रीम्स और वो जो इकट्ठी करके तो इतनी ज्यादा एड्स आते हैं उन क्रीमों के और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है वो एड्स देखिए। डॉक्टर सवेरा, सबसे ज्यादा ना वैसे कहने चाहिए जो टीवी पे खवातीन आती है ना ये खराब करती है बेचारी घर बैठी खवातीन, इन्होंने तो मुंह पे इतना सब कुछ लगाया होता है इनको ये नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब एक तरह से बेचारी रिसीव हो रही होती है, भोली होती है घर में बैठी, उनको नहीं पता कि वो प्लीज वो वाली क्रीम्स ही यूज ना करें जो कि ट्रिगर करती है इस तरह के हेयर ग्रोथ को, क्योंकि वो ही जड़ है इस चीज का। अगर आपके अंदर कोई हार्मोनल इम्बेलेंस नहीं है, कोई आपने दवाई ऐसी नहीं खाई, ठीक है, तो कोई ना कोई तो वजह है जहाँ ये बाल निकल रहे हैं। ठीक है, बिना वजह कोई भी चीज ऐसे नहीं आ रही, तो अवॉइड करना है आपने इन चीजों को। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सवेरा, थैंक यू सो मच रोहिल, बहुत शुक्रिया। जनाब, आज का मैसेज यही था, टेक होम मैसेज यही है कि अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को जो आपकी स्किन पर आपको इस लेजर की जरूरत ना पड़े और आप अच्छे से एक जिंदगी गुजारें। और गोरे होने का बिल्कुल छोड़ दें, हम जो इतने लोगों को आप देखते हैं सब धोखा होता है, हम सब बहुत मेकअप करते हैं। तो जनाब आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।